الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كلا صدق الله العظيم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو محسن بزرگو اور دوستو قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنو رمضان المبارک دا پر رحمت اور پر برکت مہینہ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں نو تقسیم کرتا ہویا ساڈے تو جدا ہو چکے ہیں بہت خوش نصیب وہ لوگ کہ جنہاں نو اللہ نے زندگی اندر اپنا اے عظیم مہینہ نصیب فرمایا اور انہاں لوگاں نے اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دے نال اس رمضان المبارک دے اندر عبادات کر کے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے اور بہت سارے ایسے میرے بھائی بھی نے کہ جنہاں دا رمضان غفلت اندر اور لاپرواہی اندر گزرے ہے اللہ کو دعا ہے کہ جنہاں لوگاں نے اس رمضان دی برکات نو لٹن دی کوشش کیتی اللہ میرے سمیت سارے اپنیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما کے اس رمضان نو قیامت دے دن ساڈا سفارشی بنا چھڈے اور جڑے میرے بھائی اس رمضان دے اندر لاپرواہی کر چکے اللہ انہاں دی توبہ قبول کر کے آئندہ رمضان تک صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے تاکہ دوبارہ اللہ دے اس مہمان مہینے دی میزبانی دا حق ادا ہو سکے رمضان گزر گیا کسے دا اچھا گزر گیا کسے دا لاپرواہی اندر گزر گیا لیکن بہت سارے ساڈے ایسے دوست احباب موجود نے جو صرف رمضان المبارک دے مہینے اندر ہی مسجد دی رونق بنے
जिन्हां सिर्फ रमजान दे महीने अंदर ही नमाजां पढ़ियां, रोजे रखे, तिलावतां कीतियां, कयाम कीते, और जदों रमजान खत्म होया ते ओ भी मस्जिद नूं छड़ के ते अपने घरां दे अंदर बैठ गए। एदी मैं मिसाल इंज दिया करदा कि एक बंदा ड्राइवर आदमी है, पहाड़ी इलाके दे अंदर गाड़ी चला रहे है और गाड़ी जेड़ी है चढ़ाई चढ़ती जा रही है, ते जिदों गड्डी बिल्कुल पहाड़ दी चोटी ते पहुंची, बुलंदी ते पहुंची है, ते इस बंदे ने बैक गियर लगा दिता है और ओदी बेवकूफी दी वजह नाल इतना मुश्किल और तवील सफर, जो कठिन सफर इन्हें तय किया सी, वो सारा भी जाया होया और वापस खाई दे अंदर आके गिर के तबाह बर्बाद हो गया। यही मिसाल रमजानुल मुबारक की मिसाल है कि इंसान रमजान दे महीने अंदर पांच वक्त नमाजा भी बाजमात पढ़िया ने, रोजे भी पूरे रखे, रात नु तरावी भी पढ़ी, कुरान भी पढ़िया, कयाम भी कीता, लेकिन जिस तरह ही रमजान खत्म होया इन्हें बैग गेर लगा ले। अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो पता ये चलता है कि जिस अमल के अंदर दवाम ना होए, इबादत के अंदर जिन आमाल के अंदर हमेशगी ना होए, वो कबूल हो सकता, वो अमल काबले कबूल नहीं होता। अल्लाह के नजदीक काबले कबूल अमल ओही है जेदे उत्ते हमेशगी कीती जाए, वो अमल चाहे थोड़ा होए, चाहे ज्यादा होए, बंदे दी हिम्मत नहीं के पूरा कुरान पढ़े या एक दिन दे अंदर सिपारे दी तिलावत करे, एक आयत भी पढ़े लेकिन ओदे उत्ते हमेशगी करे, उस अमल दा अजर अल्लाह अपने बंदे नूं अता कर दे। इस्तकामत होनी चाहिए, कुरान और हदीस का मुताला करिए ते पता ये चलता है कि जिस अमल के अंदर हमेश की होए वो अमल अल्लाह के हाँ काबले कबूल होंदा है। आइए जरा अल्लाह का कुरान समात फरमाइए और आज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैं तुसन हजरात को दसना चाहना कि रमजान गुजर गया, नमाजा पढ़िया, रोजे रखे, सदका खैरात कीते, आओ इन आबादात को हुण संभालने की भी कोशिश करिए, और ये संभाले उदों जाने ने जो इन्हें हमेशगी होएगी, पुख्तगी होएगी और दवाम होएगा। आइए जरा अल्लाह का कुरान से माज फरमाना, अल्लाह ऐलान फरमा रहे, मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने मेरे महबूब पैगंबर दे सीना पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिम अल्मलाइकातु अल्ला तखाफु वला तहज़नु वअबशिरु बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, बेशक लोग जिन्हें अपनी जुबान चो रब्बुनल्लाह दा ऐलान कीता है, जिन्हें अल्लाह नूं इक मन्या, जिन्हें अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता है, जिन्हें रब दी वहदानियत दे डंगे बजाए, इन्नल्लज़ीना कालो रब्बुनल्लाह, जिन्हें अपनी जुबान चो रब नूं भी
ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਕਾਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਸੁਮਾ ਇਸਤਕਾਮੂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਵਰਨਾ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਸਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਖਤ ਬੰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਸਤਕਾਮੂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਮਸਤਕਾਮੂ ਤਤਨਸਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਤਨਸਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਤਨਸਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਤਖਾਫੂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੌਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਤਨਸਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਤਖਾਫੂ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ ਵਅਬਸ਼ਿਰੂ ਬਿਲ ਜੰਨਤਿਲ ਲਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤਤਨਸਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਤਖਾਫੂ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ ਵਅਬਸ਼ਿਰੂ ਬਿਲ ਜੰਨਤਿਲ ਲਜ਼ੀ ਕੁੰਤੁਮ ਤੂਅਦੂਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਮਿਨ ਖਸ਼ੀਅਤਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਮੁਸ਼ਫਿਕੂਨ ਵਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਬਿ ਆਯਾਤਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯੂਮਿਨੂਨ ਵਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਬਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਵੱਲਸੀਨਾ ਯੂਦੂਨਾ ਮਾ ਅਤਉ ਕੁਲੂਬੁਹੁਮ ਵਾਜਿਲਤੁਨ ਅੰਨਹੁਮ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਰਾਜਿਊਨ
अल्लाह ने चार चीजा बयान फरमाइया ने, फरमाया ओ लोग इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुश्फिकून, ओ लोग जेड़े अल्लाह कोलो हर वेले डरदे ने, अपने दिलां दे अंदर अल्लाह दा खौफ रखे होए, वल्लज़ीना हुम बी आयाति रब्बिहिम यूमिनून, ओ लोग जेड़े अल्लाह दी आयात ते ईमान लेके आए, अल्लाह दियां निशानियां ते ईमान लेके आए, वल्लज़ीना हुम बी रब्बिहिम ला युशरिकून, ओ लोग जेड़े अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करते, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराते, वल्लज़ीना युदूना मा अतवा कुलूबुहुम वाजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, ए अमाल भी करते ने ते रब कोलों डरते भी ने, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च भी करते ने ते रब कोलों डरते भी ने, अल्लाह दे नाल शिरक भी नहीं करते ते तद भी रब कोलों डरते ने। मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों कुरान दियां इन्हां आयतां नूं समाअत फरमाया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों सवाल कीता, महबूब सोहणिया इन्हां लोगां तों मुराद शराबी बंदे होणगे, महबूब सोहणिया इन्हां तों मुराद चोरी करने वाले होणगे, ते मां जी आयशा नूं मेरे पैगंबर ने जवाब दिता है, फरमाया ला या बिंत सिद्दीक वलालन वला मिनहुम लज़ीना यसूमूना, ला या बिंत सिद्दीक वलाहुम लज़ीना यसूमूना वयुसल्लूना वयतसद्दकूना वहुम युखाफूना अल्लाह युकल्ला युकबला लहुम। आए आयशा सिद्दीक दी बेटी, इन्हां आयतां तो मराद चोरी करने वाले नहीं, इन्हां आयतां तो मराद शराब पीने वाले नहीं, बल्कि यसूमूना वयुसल्लूना रोजे रखण वाले, नमाजां पढ़ने वाले, सदका खैरात करने वाले, अपने रब कोलों डरने वाले, ए ओ लोग ने जिन्हां दे दिल दे अंदर हमेशा ही रब दा खौफ रहिंदा ई, ए जेड़ा अमल करदे ने उन्हां ते हमेशा ही करदे ने, जेड़ा अमल करदे ने फिर ओह ते पुख्ता हो जांदे ने, ओह ते हमेशा ही अमल पैरा रहिंदे ने। ए मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम तू अस्सलाम ने फरमाया, और मेरे आका जदों भी कोई नेक अमल करदे फिर ओहदे उत्ते हमेशा की करदे, और हमेशा उस रब कोलो मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम दुआ करया करदे, ते की कहंदे फरमांदे ने रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। आका दुआ करदे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह मैनू हदायत दिती है, अल्लाह किते मेरे तो हदायत नू खो ना लेना, अल्लाह मैनू नमाज पढ़ने दी तौफीक दिती है, अल्लाह किते हुण मेरे कोलों ए तौफीक छिन ना जाए, अल्लाह रोजे रखन दी तौफीक दिती, अल्लाह किते हुण ए तौफीक खो ना ले जाए। रब
ला तुसी गुलू बना अल्लाह मेरे दिल नो नाम फेरना रब्बना ला तुसी गुलू बना वादा इस हदीतना वहबलना मिल्ला दुन का रहमतन इन्नका तलवा यार मसीह ते ओही आउंदा जेड़ा रब नू पसंद होए रब दे घर दे अंदर ओही आउंदा जिन्हू रब तौफीक अता कर छड़े सिर्फ रमजान दे अंदर नमाज़ां पढ़ लईयां रमजान दे महीने अंदर रोजे रख लै रमजान दे अंदर सदका खैरात कर लिया एदे नाल नहीं गल बननी बल्कि अगर ये अमाल कीते ने ते फिर एदे उत्ते हमेश की भी करनी चाहीदी है और इसे वास्ते मेरे आका है दुआ करया कर दे ते पढ़या कर दे या मुकल्लिबल कुलूब या मुकल्लिबल कुलूब सब फित कल्बी अला दीनिका अल्लाह सोनिया मेरे दिल नु फेरी ना अल्लाह मेरे दिल नु किते फेरी ना मां जी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने मैं नबी पाक को सवाल किया महबूबा ए दुआ क्यों करया कर दे ओ या मुकल्लिबल कुलूब सबत कल्बी अला दीनी का ते मेरे आका अली सलाम फरमा दे उम्मे सलमा आ बंदे दा दिल रब दियां दो उंगलियां दे दरमियान है रब चाहे इन्हां नू फेर दवे रब चाहे इन्हां नू सिद्धियां रखे ते मैं उस रब कोलों दुआ करया करदा या मुकल्लिबल कुलूब सबत कल्बी अल्लाह मेरे दिल नू दीन वल साबत कदम रखना है अल्लाह जिवें रमजान दे महीने अंदर तू सानू नमाज़ां पढ़ने दी तौफीक दित्ती अल्लाह जिवें रमजान दे महीने अंदर तू सानू रोजे रखन दी तौफीक दित्ती है अल्लाह जिवें रमजान दे अंदर कयाम कीता है अल्लाह जिवें रमजान दे अंदर सदका खैरात कीता है अल्लाह सानू पूरा साल इंजी नमाज़ां पढ़ने दी तौफीक नसीब फरमा अल्लाह सानू पूरा साल इंजी नफली रोजे रखन दी तौफीक नसीब फरमा हदीसे पाक दे अंदर आउंदा मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमांदे ने रात दा कयाम जरूर करया करो और चाहे तहज्जुद दो रकता ही पढ़ो उठ के लेकिन जरूर मेरे पैगंबर सलाम फरमांदे ने रात दा कयाम जरूर करया करो और एदे फायदे की हुंदे ने मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर सलातो सलाम ने फरमाया है नेक लोगों की आदत हुंदी है कि रात नूं उठ के अपने रब नाल मुलाकात करदे ने चंगे बंदे अल्लाह वाले बंदे रात नूं अपनियां डोरियां रब नाल जरूर रलांदे ने और मेरे आका ने सलातो सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सुबह उठ के कयाम करदा है रात की तारीकी अंदर दो रकती भावे नमाज पढ़दा है अल्लाह उस बंदे नूं अपनी कराबत नसीब फरमा छड़दा ही जेड़ा बंदा रात नूं उठ के कयाम करदा ही तहज्जुद दी नमाज पढ़दा है फरमाया अल्लाह एदे गुनाहां नूं मिटा के रख दिंदे ने और मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नूं फिर आप गुनाहां तो दूर कर दिंदा ही जेड़ा बंदा रात नूं उठ के कयाम करदा ही रमजान दे अंदर ते कीता ही आओ मेरे भाई आदत बनाइए रात नूं उठ के भावे दो रकातां ही पढ़िए ते जरूर पढ़िए मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा रात नूं कयाम करदा ही अल्लाह एदियां जस्मानी बीमारियां भी दूर कर छड़दे ने ओए बीमारो आ जाओ रब
रब दे दर ते कितने कितने डॉक्टर फेल ले, कितने कितने हकीमा को पैसे जाया कर ले, कितने मेरे पैगंबर की जबान ने नबूवत जो निकले इना दो जुमले आते अमल तू कर ले। इंशाल्लाह मेरा यकीन है अल्लाह तेनू जस्मानी बीमारियां तो शिफा दे छड़ेगा, क्योंकि मेरा मुहम्मद उदो तक बोलता ही नहीं जो तक रब दा हुक्म ना हो जाए। النجم اذا هوى ما زل صاحب قم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى। मेरे आका उदों तक गुफ्तगू नहीं करते जितो रंग रब दी वही ना आ जाए। इस करके एक कयाम करिया करो रात दी तरीकी अंदर, फिर रमजान दे रोजे रखे ने। ते मेरे आका अली सलातु वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा रमजान तो बाद शवाल दे छे रोजे रखदा ही नफली रोजे छे शवाल दे छे रोजे जेड़ा बंदा रखदा है अल्लाह ओनू सात रोजियां दा सवाब अता कर छड़दे ने। ए नहीं के कट्ठे ही रखने ने यकम तो लैके छे तक, नहीं बल्कि हदीसे पाक से अल्फाज ने के नहीं कट्ठे रख सकते, पूरे महीने अंदर वक्फे वक्फे ना रख लो अल्लाह तुहानू एक साल दा सवाब अता कर छड़। और मेरे पैगंबर अली सलातु वसलाम ने फरमाया रमजान दे रोजे रखन तो बाद फिर रोजे छाड़ ना दिया करो, बल्कि हुजूर सोमवार दा ते जुमेरात दा रोजा रखिया कर दे। मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम को सवाल होया महबूबा सोमवार दा ते जुमेरात दा रोजा क्यों रख दे हो? आका अली सलातु वसलाम ने फरमाया जुमेरात ते सोमवार वाले दिन अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते ने। ते मेरा दिल करदा जदों मेरे अमाल अल्लाह दे कोल जान ते मैं मुहम्मद रोजे अंदर हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते इन्हां चीज़ां ते अमल करना चाहिए। और आइए मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान दी तिलावत करिया करो। जिवें रमजान दे महीने अंदर माशाल्लाह असी एक एक दो दो चार चार कुरान खत्म फरमाए, अल्लाह सानू पूरा साल इंजी कुरान दी तिलावत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत नजदीक लोग जेड़े ने ए कुरान नू भुल जाणगे कुरान पढ़ना छड़ देंगे। हदीसे पाक दे अल्फाज ने मेरे आका अली सलाम कयामत दे रब दे मैदान को खड़े होंगे, इंज हिसाबो किताब हो रहा है। ते मेरे आका खुद अल्लाह नू फरमाणगे अल्लाह सोने आ मेरी उम्मत दे ओ लोग ने जिन्हां तेरे कुरान नू पढ़ना छड़ दिता सी, जिन्हां तेरे कुरान नू भुलना शुरू कर दिता सी। हज़रात असी रमजान दे अंदर ते कुरान पढ़ लिया, मुड़ के पूरा साल कुरान नू हाथ नहीं जलाया। मैनू एक वाकया याद आ गया, एक मौलवी साहब ने पिंड दे मौलवी साहब ने लोग बड़ी इज्जत करते बड़ा अदब एहतराम करते ने, सारे लोग रमजान दा महीना आया हर बंदे दी ख्वाहिश है मैं मौलाना साहब दी दावत करा, मौलाना साहब अफतारी मेरे घर के अंदर करना है, कोई दवा हो जाएगी। इंजी एक बंदे ने इना मौलवी साहब की दावत की थी, अफतारी का समान लग गया रोजा खुल गया, मौलाना साहब ने खाना तनावल फरमाया ते उठ के घर चले गए। ये बीवी कह लगी है मेरे सिर दे ताज मौलवी साहब की दावत की थी सी ना, बैठक के अंदर मैं कुछ पैसे भुल गई सर, जो मौलवी साहब उठ के गए ने मैनू पैसे नहीं लभे, ते साडे ते बच्चे भी छोटे छोटे ने, बच्चे उधर गए भी कोई नहीं उन्हां तो बाद आया भी कोई नहीं, मैनू ते इंज लगदा पैसे मौलवी साहब चुक के लै गए ने। ए बंदे ने अपने दिल अंदर ही इस बात नू रखे है, मौलवी साहब तो नफरत करनी शुरू कर दी,
जिक्र कोई नहीं कीता। इंजी साल गुजर गया, अगला रमजान का महीना आया है, लोगों ने फिर मौलाना साहब दियां दावतां कीतियां है। ए बंदा अपनी बीवी नूं कहन लगा, अल्लाह वालिए शायद मौलवी साहब को गलती हो गई होएगी, शायद उन्हां नूं जरूरत होएगी, चलो पिछलियां गल्लां भुल जांदे आं, मौलवी साहब नूं दोबारा अफतारी ते बुलाने आए। मौलवी साहब अफतारी ते आए ने, ए बंदा कहन लगा, मौलाना साहब तुहानूं पता है मैं तुहाडे नाल नाराज हां। कह लगे हाँ हाँ मैं भी नोट कीता है, तू मेरे तो थोड़ा जिहा पिछे पिछे रहना है। कह लगा मौलाना साहब पिछले साल तुसी अफतारी ते आए सो, साढ़े पैसे ते पैसी ते लगदा है सानू शक के तुसी चुके ने। ते मौलाना साहब कह लगे हाँ पैसे मैं उठाए ने, ते अखां चो अंसू जारी हो गए। कह लगे मैं इस वास्ते नहीं रो रहा कि पैसे मैं चुके ने, तुहाडे पैसे टेबल ते पैसी पखा चल रहा सी, पैसे खिलर गए उड़ गए, मैं सारे पैसे कट्ठे करके और जेड़ा तुहाडा कुरान पिया है ओहदे अंदर रख दिते सर, कि तुसी कुरान दी तिलावत करोगे पैसे मिल जाणगे। पूरा साल गुजर गया, तुसा कुरान खोलिया कोई नहीं, कुरान दियां तिलावतां कीतियां कोई नहीं, ते पैसे लब्भे कोई नहीं। रात हाल जे साडे मुआशरे दा, कुरान ते हर घर दे अंदर मौजूद है, लेकिन असी उस कुरान नूं अंगीठियां दी सीनत बना दित्ता है, उस कुरान नूं असी अलमारियां दी सीनत बना दित्ता है। ना कुरान पढ़ने दी तौफीक है, ना कुरान समझन दी तौफीक है। अल्लाह कोलो दुआ करया करो, अल्लाह जिस तरह रमजान दे महीने अंदर सानू कुरान पढ़ने दी तौफीक नसीब फरमाई सी, मौला पूरा साल इंजी कुरान दियां तिलावतां करने दी तौफीक नसीब फरमा दे। ते जेड़ा बंदा अमल करके अमल नूं छड़ दिंदा ही, अल्लाह दे कुरान ने ओदी वईद फरमाई है। मिसाल अल्लाह ने अपने कुरान अंदर बयान फरमाई है, फरमाया जेड़ा बंदा रोजे रख के छड़ दिंदा ही, नमाजा पढ़ के फिर लापरवाही करता है, अल्लाह फरमाते ने ओदी मिसाल इंजे के एक माई चरखा कत दी है, सूत कत दी है, रस्सा तैयार कीता है बड़ी मेहनत दे नाल, मुड़ के उस रस्से नू आप ही खोल के ते साया कर दिता, मेहनत जाया कर ली। ओ इसे तरह अल्लाह फरमाते ने के रमजान आया रोजे रखे, रमजान आया कयाम कीता, रमजान आया कुरान दियां तिलावतां कीतियां। ते जदों रमजान गुजर गया फिर ओंजी हालात हो गए, ना नमाज दी फिकर, ना रोजे दी फिकर, ना कुरान दी फिकर। नहीं मेरे भाई, अगर चाहते हो कि रमजान दियां कीतियां इबादतां अल्लाह कबूल फरमाए, तो फिर इन आमाल ते सानू हमेश की करनी पैगी, इन आमाल नू सानू पूरा साल करना पैगा। अल्लाह सानू सारे नू तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामु ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइकातु अल्लाह तखाफु वला तहज़नु वअबशिरु जन्नत इल्लती कुंतुम तुआदून। इन अनामात दा हकदार ओही बंदा बनदा है जेड़ा ए अमल करे, ते फिर ओदे उत्ते इस्तकामत करे। अल्लाह कोलो दुआ है, अल्लाह सानू ज्यादा तो ज्यादा जिस तरह रमजान दे महीने अंदर इबादत कीतियां, अल्लाह सानू पूरा साल इंजी इबादत करने दी तौफीक नसीब फरमाए। इंजी नमाजा, इंजी रोजे, इंजी अजाना अल्लाह सानू देने दी तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।